तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस तड़कते फड़कते जोश जोश से भरे हुए सेशन के अंदर। और मैं हूं आप लोगों का प्यारा प्यारा सुमित भैया। और आप लोगों की जो क्लास है आज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होने वाली है और जोश से भरी हुई है आज की क्लास। अब मैं जानना चाहूंगा कौन कौन बच्चे जो है वो क्लास में लाइव आ चुके हैं, कौन कौन है वो हमारे फाइटर्स जो आज के मेंटी क्विज के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार अपने आप को कर चुके हैं। बच्चों जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे वी हैव गॉट अलीशा, वी हैव गॉट मायरू, वी हैव गॉट मेगा अर्शप्रीत मैम की सुपरस्टार ग्रेट, वी हैव गॉट एस आर, वी हैव गॉट ममन, we have got each and every student guys welcome here in today's mentoring sumit bhaiya class। सभी लोगों का स्वागत है बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है। एनर्जी से भरी हुई इस क्लास में, शानदार क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मेंडी क्विज बर्थ चैप्टर के लिए। आज हम करने वाले हैं बर्थ चैप्टर के लिए मेंडी क्विज। और बर्थ चैप्टर के राइटर का नाम है एजे क्रॉनिन। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं बच्चों। और आज मुझे देखना है कि कौन टॉप पे आने वाला है। हाय समीक्षा, रिया, हाय एवरीवन, हाउ इज द जोश बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है कर लो, ताकि क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती रहें। अनअकैडमी के स्केड्यूल को नोट कर लो। 11th क्लास की देखो, एक ये वाली क्लास अभी चल रही है, ये क्लास है जो 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेने वाला हूँ स्पेशल पे कल रात को 9:50 पे। लेकिन 11th क्लास वाले बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हैं जो कि टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस के ऊपर है, जो कल रात को 9:50 पे होगी। अगर आप चाहो तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेशन है ये वाला, जो कि ओपन हाउस सेशन होने वाला है, जिसमें मैं कराऊंगा इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन ऑन योर लाइफ। मैं अपने खुद के रॉन्ग डिसीजन के बारे में भी बताऊंगा और कैसे रॉन्ग डिसीजन हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा पोस्टर राइटिंग के ऊपर एक आंसर राइटिंग क्लास होगी जो थर्सडे को होगी, तो इसको भी अटेंड करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे। बाय रिया, हाय मनन, हाय सृष्टि, हाउ आर यू गाइज, हाय राही, ग्रेट एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज बच्चों, मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना, ये वाली जो टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस की क्लास है, इसको ज्वाइन जरूर करना, कल होगी। फिर एक टेंसेस के एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस की क्लास है जो February 22 को होगी, इसको अटेंड करना है। तो ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है बच्चों। और मेरे टाइम टेबल को नोट कर लो, 11th क्लास के जो बच्चे हैं, मेरा जो टाइम टेबल है 11th क्लास का, वो है 4:15 ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे। इन क्लासेस को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। राम राम भाई, राम राम, जय सिया राम, ठीक है। और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो बच्चों। प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए आप लोगों को मिलेगी क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात है बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर आपने अभी नहीं लिया है। आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन पे बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और भी बहुत सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों आप लोगों का वेट कर रही है। और अगर लेते हैं आप प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस और भी जबरदस्त चीजें। ऑल द बेस्ट अलीशा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम डियर। और बच्चों, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 11th वालों को मिल रहा है 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, SUTH10 कोड के साथ। और अगर आइकॉनिक लेंगे तो भी 12 महीने के साथ, 12 के साथ 2 का फायदा होगा। और SUTH10 यहां पे आप लोगों के कोर्स की फीस है बच्चों, प्लस वाले में फीस है 15,000, जहां आपको 1500 का ऑफ मिलेगा कोड के साथ। और आइकॉनिक में आपकी फीस जो है वो 28,000 है, जहां आपको 2800 का ऑफ मिलेगा। नमस्ते 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 एवरीवन, मोस्ट वेलकम अलीशा, मोस्ट वेलकम डियर। और अब बच्चों बात करते हैं आज के सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। आज हम धमाल मचाने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मेंटी क्विज बच्चों।
आज हम करने वाले हैं मेंटी क्विज। कौन से चैप्टर पे होगी मेंटी क्विज? मेंटी क्विज होगी बर्थ पे, बर्थ चैप्टर पे करने वाले हैं मेंटी क्विज। तैयार हो जाए मेरे शेरवीरो। ग्रेट, मेंटी क्विज के लिए तैयार। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक मेंटी क्विज को ज्वाइन नहीं करा है, सामने है कोड आप लोगों का विजिबल, और कोड को कर लो जल्दी से ज्वाइन, और जल्दी से ज्वाइन कर लो मेंटी क्विज को। और आज करेंगे हम धमाल मेंटी क्विज के अंदर। जल्दी 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 बच्चों, कोड स्क्रीन पे अवेलेबल है, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे कोड अवेलेबल है। जल्दी से मेंटी क्विज को ज्वाइन कर लीजिए जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है। चलो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, गो टू www.menti.com एंड यूज द कोड दैट इज 1710 7509, और यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल मेंटीमीटर ऐप एंड यूज द सेम कोड फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है भाई, चलो। तो बच्चों मैंने कोड चार स्क्रीन पे भी डाल दिया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शरण, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन कर लो। और बच्चों जिस बच्चे ने भी मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर रखा है, आई रिक्वेस्ट, जिस बच्चे ने भी मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर रखा है, जल्दी से जाओ प्रोफाइल को फॉलो करो, क्योंकि आप लोगों को वहां पे ढेर सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 12th वालों के लिए भी कर रहा हूँ। मेक श्योर ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग लेजेंड गेमिंग, कैसे हो दोस्त? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंटी को ज्वाइन नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मिसमराइजिंग मेंटी टुडे विद सुमित भैया हेयर। जल्दी से, जल्दी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेंटी को जल्दी से। लेट स्टार्ट द मेंटी सून। कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है और उन बच्चों के साथ हम अपनी मेंटी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, और वो जनहित में जारी है, और वो ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। जिस प्यारे प्यारे होशियार बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हाय सांग्या यादव, हाय शुभम, हाय एवरीवन। बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं कराया है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड लाइक द वीडियो। गो नहीं, प्लीज लाइक द वीडियो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट इन मेंटी क्विज एज सून एज पॉसिबल। ग्रेट मायरू, आपको मैं देख सकता हूँ। कैटरपिलर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा यहाँ कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। हेलो 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 सांग्या, हाउ आर यू? चलो बच्चों मेंटी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन आ गया है आप लोगों की स्क्रीन के सामने बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंड्रयू रिमेंबर इन द मिडल ऑफ ऑनगोइंग ट्रीटमेंट? मतलब जो एंड्रयू था, एंड्रयू मेसन जो था, वो जब ट्रीटमेंट कर रहा था, किसका ट्रीटमेंट कर रहा था? सुजैन मॉर्गन का। तो ट्रीटमेंट करने के दौरान उसको क्या याद आता है, उसके माइंड में क्या होता है? वेरी गुड प्रखर, आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रखर। ग्रेट श्रुति, थैंक यू सो मच सांग्या। जिस बच्चे ने भी लाइक नहीं करा है वीडियो को, जल्दी से लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। बेटा मेरी बात ध्यान से और गौर करके सुनना, मेरी बात ध्यान से और गौर करके सुनना। इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर ए नहीं है। मुझे पता था तुम लोग एक दबाओगे। जो क्रिस्टीन वाले थॉट्स थे वो तब आ रहे थे जब वो बैठा हुआ था नीचे, जब वो ट्रीटमेंट कर रहा था तो उस टाइम पे क्रिस्टीन वाले थॉट्स नहीं आ रहे थे। ध्यान से पढ़ो टेक्स्ट को, टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो, समझाई बा।
और हिज टाइम इन सैमरिटन, सैमरिटन वाली जो जगह थी उसका तो थॉट तब आता है जब वो बात करता है कि जो स्टिल बॉर्न बेबी है उसको कैसे रिवाइव करना है। वहां पे एक ऐसा जो केस था, जब वो उस केस को रिमाइंड करता है सैमरिटन वाली बात तब आती है। ध्यान रखो यार चीजों को, थोड़ा ध्यान दो बच्चों, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, जोर डालो। चलो कोई नहीं, झेल लेंगे हम। तो यहां पे 5 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है यार, तनु, साइना, शेरॉन, रोज, प्रिया, सिद्ध। ग्रेट। और कुछ बच्चों का आंसर हो गया है गलत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिल छोटा नहीं करते, फेफड़े तो बड़े हैं ना, दिल छोटा नहीं करना है। और जोक सपाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? नो इश्यू प्रकार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ट्राइंग फॉर 15 मिनट्स एंड्रयू फेल्ट व्हाट। 15 मिनट तक बच्चे को ऑपरेट करने के बाद, मतलब बच्चे को भी, हाँ बच्चे को ही एक तरीके से वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, तो 15 मिनट लगातार कोशिश करने के बाद जो एंड्रयू है उसको कैसा फील होता है, एंड्रयू को कैसा महसूस होता है? बच्चों वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ग्रेट। जल्दी करो यार वीडियो को लाइक बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। सर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का क्या करना है बेटा, पढ़ाई होनी चाहिए ना। होपलेस आएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि बच्चा जो है वो रिवाइव नहीं हुआ था, 15 मिनट तक कोशिश करने के बावजूद जो बच्चा था वो रिवाइव नहीं हुआ था, इसीलिए वो होपलेस होना फील हो जाता है। स्टार्टेड फीलिंग होपलेस। सांग्या यादव, लीडर बोर्ड पे आने के लिए आपको ना थोड़े फास्ट आंसर देने पड़ेंगे, आप जितना ज्यादा तेज आंसर दोगे उतना ही ज्यादा आप ऊपर आएंगे लीडर बोर्ड के अंदर, ठीक है। और लीडर बोर्ड पे आने के लिए आपको मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट करना होगा, जो ऊपर डायरेक्शन दे रखा है ना, गो टू www.menti.com और फिर ये कोड डालना है, ये भी आपको करना पड़ेगा, वहां जाके क्विज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब आप लीडर बोर्ड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिल बॉर्न। मतलब स्टिल बॉर्न का मतलब यहाँ बेबी की बात हो रही है, कि जो स्टिल बॉर्न बेबी था उसको एंड्रयू किस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश करता है, जल्दी बताओ। बता दो बच्चों जल्दी जल्दी आंसर बता दो, हार नहीं माननी है सभी को। ग्रेट, वेरी गुड। यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चों, क्विज में पार्टिसिपेट कर लो जल्दी 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 जल्दी। ग्रेट। यहां पे लीडर बोर्ड पे वी हैव गॉट तनु एट द टॉप, एंड देन वी हैव साइना, प्रिया, शरण, एंड द पीपल हु हैव गिवन द फास्टेस्ट आंसर दिस टाइम, दे आर सृष्टि एंड राही। ग्रेट गोइंग गाइस। इसी तरीके से बार बार तेज आंसर देना है तो आप लीडर बोर्ड पे आगे आ जाएंगे। गुड इवनिंग प्रीति। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल थिंग्स डिड एंड्रयू यूज इन द ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट के दौरान एंड्रयू किस किस चीज का इस्तेमाल करता है, ट्रीटमेंट के दौरान एंड्रयू किस किस चीज का इस्तेमाल करता है। हॉट एंड कोल्ड वाटर, बेसिन्स एंड टॉवल्स, और अ ब्लैंकेट। बहुत इजी है। जो भी बच्चा जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट कर लीजिए। वेरी गुड। तो यहां पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उसने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करा था, हॉट कोल्ड वाटर, बेसिन में ही पानी आया था, टॉवल, ब्लैंकेट, सारी चीजें इस्तेमाल की गई थी। और लीडर बोर्ड पे बढ़त बनाए हुए हैं तनु, और दिया है फास्टेस्ट आंसर, और तनु के पीछे साइना के पॉइंट ज्यादा कम नहीं है, और बहुत आसानी से साइना लीड कर सकती है तनु को, अगर वो लगातार अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती हैं तो।
ग्रेट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट डिड एंड्रू रिमेंबर अबाउट सैम रिडन? सैम रिडन जो था वहां पे उसने क्या देखा था जो वो रिमेंबर करता है उस टाइम पे, है ना? और स्पेशली बच्चे के बर्थ के बाद, जब बच्चे का बर्थ हो गया था उसके बाद की यहां पे बात हो रही है रियलिटी में, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल है, ट्रीटमेंट ही विटनेस, बिल्कुल सही कहा। एक ट्रीटमेंट जो उसने वहां विटनेस किया था, जिसके सॉरी विटनेस मतलब देखा था, और उसी के बेसिस पे उसने इस बार इलाज किया था ना। श्रुति का आंसर हो गया है गलत। देन वी हैव तनु, साइना, प्रिया, शरण, सृष्टि, राही। और तनु और साइना के बीच में सिर्फ कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है मैं बता देता हूँ, खाली 14 पॉइंट्स का डिफरेंस है इन दोनों बच्चों में। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा मेहनती बच्चे हैं, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। व्हाट डिड एंड्रयू कंक्लूड फ्रॉम द व्हाइटनेस ऑफ द चाइल्ड? मतलब जो बच्चा था उसके शरीर पे जो एक अजीब सी व्हाइटनेस दिखाई दे रही थी, उससे एंड्रयू को क्या फील हुआ कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दैट ही वॉज डेड, दैट ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, that he should be taken to the hospital, or that Andrew couldn't save him. बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता है जो प्रॉब्लम थी स्टिल बॉर्न बेबी की वो क्यों थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लैक की वजह से दी गई ना कहीं, तो ये उसी से रिलेटेड है, समझ आई बात? बच्चों मेरी आवाज कैसी आती है ये बताओ, मेरी आवाज लाउड आती है, धीमी आती है, या कैसी आती है? हर वक्त जोशीली है आवाज या नहीं है? आवाज में दम है या नहीं है? क्या वो दम खम है? क्या हम है? क्या तुम हो? ओके, सो वी हैव गॉट तनु, साइना, प्रिया, शरण, सृष्टि, वी हैव गॉट राही गिविंग द फास्टेस्ट आंसर, अलीशा, महक, सृष्टि, श्रुति एंड आयुष। लाउड, गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच निकिता एंड मरियम। बच्चों मेरी आवाज मैं लाउड इसीलिए रखता हूं ताकि तुम लोग अगर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आंखें भी झपके तो एकदम से खुल जाए आंखें, इसलिए रहती है आवाज इतनी ज्यादा लाउड, है ना? वेयर हैड द मिडवाइफ प्लेस द स्टिल बॉर्न चाइल्ड? की जो स्टिल बॉर्न चाइल्ड था उसको जो मिडवाइफ थी, मिडवाइफ नर्स को भी बोला गया है बीच बीच में, लेकिन मिडवाइफ यहाँ दाई माँ को बोला गया है, ये ध्यान रखना कि जो मिडवाइफ थी उसने जो स्टिल बॉर्न चाइल्ड था उसे कहाँ पे प्लेस कर दिया था, जब डॉक्टर ने वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड मिडवाइफ को दिया तो उसने उसे कहां प्लेस कर दिया था? शी हेल्ड द चाइल्ड इन हर आर्म्स, गेव हिम टू सुजैन्स मदर अंडर द बेड, और हैंडल्ड हिम टू जो। बेटा जो मॉर्गन तो था ही नहीं वहां पे। हाय सानिया पाटनी, बेटा आप भी ज्वाइन करो ना मेंटी क्विज डायरेक्टली मेंटीमीटर पे या menti.com पे जाके, ठीक है? अंडर द बेड, बिल्कुल सही कहा, अंडर द बेड, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो बच्चा मरा हुआ है, अब उसका करना ही क्या है, इसीलिए उसने अंडर द बेड उसे डाल दिया था। वेरी गुड प्रियांशु। जो भी बच्चे हैं, आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट मेंटी क्विज ऑन www.menti.com। बच्चों वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ पे भी रहो वहां पे भी रहो और बहुत अच्छे से मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। इन द डिलेमा ही फेस्ड, व्हाट डिड एंड्रयू डू? इन द डिलेमा ही फेस्ड, व्हाट डिड एंड्रयू डू? मतलब जो डिलेमा एंड्रयू ने फेस किया था उसमें एंड्रयू क्या करता है, है ना? डिलेमा किसे कहते हैं? आप लोगों को याद होगा डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि वो कौन सा काम करे, दो काम में से, दो वर्क्स में से वो कौन से डिसीजन को ले। तो डिलेमा ये था कि वो किसको बचाए, बच्चे को बचाए पहले या मदर को बचाए। तो उसने क्या किया था, उसने पहले सुजैन पे ध्यान दिया था, है ना? जितने भी स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं सभी लोगों को बता दूं,
सुमित भैया की क्लास एक ऐसी क्लास है जहां तुम्हारा इंग्लिश का प्रिपरेशन दम खम के साथ, सेम एनर्जी के साथ, जोश के साथ होगा। अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुम्हें करना है ये सिलेबस तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, मेरी रेगुलर क्लासेस जो भी मैं ले रहा हूं 11th क्लास की वो अटेंड करो। 11th क्या 12th भी कराएंगे पूरे जोश के साथ, और हर वक्त पूछेंगे हाउ इज द जोश, ठीक है। और मेरा प्रोफाइल चेक कर लो बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, अगर किसी ने नहीं किया है तो प्रोफाइल का लिंक चार्ट स्क्रीन पे। और मैं एक क्लास लेने वाला हूँ, बड़ी तगड़ी क्लास होने वाली है, टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस, 12th क्लास के 2020-21 के सेशन के टॉपर की आंसर शीट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और आप कहोगे सर मेरा क्या फायदा है बेटा, 12th में तो जाओगे ही ना, अगर 12th में जाओगे तो फिर क्यों कर रहे हो देरी, क्यों मुस्कुराओ, तुम अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th वाले चैनल पे हो। श्रेया सिंह देखो, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और आप रिसेंटली मेरी क्लासेस आपने लेना स्टार्ट किया है, आई वुड सजेस्ट यू डियर अपने 11th के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां 11th की प्लेलिस्ट मिलेगी, टर्म 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट करो, और मैं भी लास्ट में अपना टाइमिंग्स बता दूंगा तो आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर साहिल की एंट्री हो गई है, वेलकम करो डॉक्टर साहिल का, ग्रेट डॉक्टर साहिल, एम्स इन माय वींग्स, ग्रेट, आई एम रेडी, ग्रेट। वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर, ये डिलेमा था जो फेस कर रहा था, ग्रेट। चलो भाई, तनु का आंसर हो गया है गलत, तनु ये क्या कर दिया बच्चे आपने, साइना चली गई है आगे फास्टेस्ट आंसर देके, वेरी गुड साइना, तनु आप फिर से लीड कर सकते हो, अभी भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आप ट्राई करोगे तो और बच्चे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सांग्या, सर आप कैसे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, तुम कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं? ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूं जो तुम मुस्कुरा रहे हो जरूर कुछ छुपा रहे हो, लगता है आज कुछ हमें बता रहे हो। हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड कैसा था, हेल्दी था, लाइफलेस था, अंडरवेट था, एनामिक था? आज आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, अरे एनर्जी को आज मैं खरीद के लाया हूं और यूं करके मैंने इंजेक्ट कर लिए है। ओके दैट ग्रेट, ओके लाइफलेस, वेरी गुड, हम एनर्जी में हमेशा रहते हैं, बस आप अपनी आंखों से उसको पहचानने की कोशिश करिए। ओके साइना और प्रिया इन्होंने दे दिया है गलत आंसर, कोई दिक्कत नहीं, तनु आ गई है वापस ऊपर, ग्रेट। भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी हमेशा अच्छी रहती हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे, बच्चे नहीं शर्माएंगे, आंसर देते जाएंगे और टिक लगाएंगे, मेंडी में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, आंसर आएगा और क्या होगा। व्हाइल वेटिंग एट जोस हाउस व्हाट डिड एंड्रयू थिंक अबाउट, मतलब जो के घर पे वेट करते हुए जो एंड्रयू है वो किस चीज के बारे में सोच रहा था, क्रिस्टीन के बारे में, फेल्ड मैरिजेस के बारे में, मिसेस मॉर्गन की कंडीशन के बारे में, या बोथ, बी एंड सी? ग्रेट, जल्दी, आपने कहा था अपने खुद वाले, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोथ बी एंड सी, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी, लाइक लाइक लाइक, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं अलीशा, कोई दिक्कत नहीं। राई क्रिएट्स आ गए हैं आगे, ग्रेट, तनु आ गई है वापस फर्स्ट पोजीशन पे, तनु देखा मैंने कहा था ना कभी हार नहीं माननी है बच्चों, कभी हार नहीं माननी है जिंदगी के अंदर। एक डायलॉग याद आ रहा है, कहते हैं ना ये सब मोह माया है, किसने क्या पाया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, ये सब रब की माया है, और ऐसा लगता है कि आज डॉक्टर साहिल यहां पर बहुत दिनों बाद आया। नंबर 12 पे आ जाते हैं, ग्रेट,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड्रयू डिसाइडेड टू डैश एट जोज हाउस। सर मिसेस मॉर्गन के बारे में, बेटा मिसेस मॉर्गन के बारे में नहीं सोच रहा था उस टाइम पे, जब वो नीचे बैठा हुआ था तो उस वक्त क्या सोच रहा था? उस वक्त तो वो फेलियर्स के बारे में सोच रहा था ना, मैरिज के, क्योंकि वो अपनी अभी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, उससे जब मिलके आया था तो उसका जो भी उसके साथ इशू हुआ है उसकी वजह से वो सोच रहा है कि मेरा डिसीजन उसके साथ शादी करने का सही है, लाइफ सेटल करने का सही है या नहीं है। बिल्कुल, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, स्टे वेरी गुड। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे बच्चों, और यहां पे वी हैव गॉट तनु गिविंग द फास्टेस्ट आंसर आई थिंक, एंड देन लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइव, वो नहीं शर्माएंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और लाइक का बटन दबाने के बाद उसे नीला करके जाएंगे, ठीक है? डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, व्हाई डिड एंड्रयू से दिस? ये जो लाइन है उसने किसको बोली है? वो सुजैन की मम्मी को बोलता है। वो क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि उसकी मम्मी, सुजैन की मम्मी को ऐसा लग रहा होता है कि टाइम है अभी डिलीवरी में, तो कहीं एंड्रयू जो है वो वापस ना चला जाए, और क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है तो एंड्रयू का वहां रहना जरूरी है ना? ग्रेट, चलो 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 चलो, वीडियो को लाइक कर। अरे यार तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, तुम बहुत बहुत शैतान हो बच्चों, शैतान बहुत हो तुम बच्चे। टू रीश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर, ग्रेट, बच्चे बहुत शैतान है, नॉटी स्टूडेंट्स। ओके अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। 26 अप्रैल हो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग तो अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे ना, टेंशन लेने वाली क्या बात है, हमारी प्रिपरेशन तगड़ी चलती रहेगी। तुम्हें कितनी बार सिलेबस करा दूंगा, तुम लोगों को टिप्स पे याद हो जाएगी हर एक चीज, इस बात को ध्यान रखना। वेन एंड्रयू अप्रोच, सुजैन वॉज एकम्पनीड बाय हर मदर एंड डैश, है ना? जब एंड्रयू जाता है तो सुजैन के साथ कौन कौन था? उसकी मम्मी तो थी, मम्मी के अलावा और कौन था? तीस तीस तो करा ही दो, मालिक इतना खर्चा हो गया है तो 30 तो लाइक करा ही दो, ठीक है जल्दी। वेन एंड्रयू अप्रोच, सुजैन वॉज एकम्पनीड बाय हर मदर एंड अ मिडवाइफ, मिडवाइफ दाई माँ को बोला गया, जैसे कहीं कहीं नर्स भी बोला गया। हाय श्रेया दुबे, हाउ आर यू डियर, वेलकम इन आवर क्लास श्रेया, वी हैव गॉट अ वेरी गुड डे ऑन रिसीविंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी न्यू इन आवर क्लास, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मनन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शर्माना नहीं है, जल्दी से घबराना नहीं है, सुमित भैया की क्लास है, वीडियो को लाइक करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, लाइक का बटन नीला बना के जाना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और पूरा का पूरा सिलेबस 11th क्लास इंग्लिश का सुमित भैया ने पूरा कंप्लीट करा रखा है, जिसको भी अपनी 11th क्लास की इंग्लिश में 1% भी टेंशन है तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने पहले से आप लोगों के लिए सारी की सारी क्लासेस जो है वो अरेंज कर रखी हैं। मुझे पता है तुम लोग कहीं ना कहीं दबे हुए हो अपने बाकी के सारे सब्जेक्ट्स की वजह से और इंग्लिश पे टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन जब भी तुम्हें इंग्लिश को टाइम देना हो तो तसल्ली बख्शाना, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करना, सारी क्लासेस हैं, अगर लाइव क्लास अटेंड करने का मौका मिले तो उनको भी तुम जरूर अटेंड कर सकते हो। वेरी गुड, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव होगा, और देखते हैं बच्चों किसने दिया है आज अपने आप को साबित, किसने किया है आज अपने आप को साबित, और कौन है वो बच्चा जो आज आया है टॉप पे। सर प्लीज ग्रामर का अब स्टार्ट कीजिए, बेटा ग्रामर का स्टार्ट हो गया है, टेंसेस की एक क्लास जो है, टेंसेस के प्रैक्टिस की एक क्लास जो है वो मैंने स्पेशल क्लास 22 फरवरी को अरेंज कर रखी है, आप उसके अंदर एनरोल कर लो, स्पेशल क्लास है, मेरे प्रोफाइल के लिंक को फॉलो करो जाके, और मेरा कोड यूज करो SUDH10 क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, और ग्रामर की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी मैं स्पेशल पे ही लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, चीज को ध्यान रखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दो बच्चों तनु को, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दो, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु, लॉट्स ऑफ लव डियर, वेरी गुड, अ ग्रेट सपोर्ट टू यू, वेरी गुड। जो भी बच्चे यहाँ नए आए हैं मैं सबको टाइम टेबल बता देता हूँ, और कंग्रेचुलेशंस टू राही, सृष्टि, साइना, श्रुति, प्रिया, महक,
समीक्षा, अलीशा एंड प्रियंका। ग्रेट, तो मैं एक बार स्केड्यूल बता देता हूं, बच्चों देख लो, मैं स्केड्यूल बता देता हूं अपना, एक बार नोट कर लो जो भी बच्चा यहाँ न्यू आया है, फर्स्ट टाइम आया है। देखो मेरी बच्चों जो 11th की क्लास होती है, ध्यान से सुनना, मेरी जो 11th की क्लास होती है वो YouTube पे होती है, Unacademy क्लास 11th एंड 12th पे, और डेज है ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को मेरी क्लास होती है बच्चों, जो कि होती है YouTube पे, Unacademy क्लास 11th एंड 12th पे। ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभिषेक त्रिवेदी, ज्वाइन करने के लिए मेंटी के ऊपर लिखा होता है कि आपको www.menti.com पे जाके ज्वाइन करना है। क्लास 12th की टाइमिंग जसलीन तुम्हारे को पता है पहले से, मैंने पहले कितनी बार बता रखी है, सामने गिवन है। वेरी गुड। और अगली चीज है बच्चों, मेरी स्पेशल क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे Unacademy लर्निंग ऐप पे होती है। मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो, चैट स्क्रीन पे उसका लिंक अवेलेबल है। समझ आ गई बात? चलो, और बच्चों अगर किसी बच्चे को Unacademy का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, तो आप Unacademy कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रैंक 1-3 वालों को 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, 4-10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11-50 वालों को 50% और 51-150 वालों को 25%। कोड यूज करना है SUTS10 फॉर फ्री एनरोलमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। समझ में आ गई बात? और फ्री रजिस्ट्रेशन है, कॉम्बैट इंग्लिश हिंदी दोनों में, 30 questions 60 minutes में आंसर करने होते हैं। अगली चीज है बच्चों, 25 रैंकर्स को मिलेंगे सर्टिफिकेट्स, टॉप 3 को मिलेंगे मेडल्स, तो मेक श्योर जितनी जल्दी हो सकता है बच्चों ज्वाइन कर लो। और मेगा ऑफर चल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे तुम लोगों को मिलेगा 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त, तो तैयारी कर लो बच्चों जीत की, ठीक है। सुमित भैया का कोड जरूर लगाओ, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है सब्सक्रिप्शन में, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, और इस नंबर पे कॉल करके जो भी जानकारी लेनी है वो ले सकते हो। ममन, अगली मेंटी जो होगी बेटा वो होगी थर्सडे को 4:15 पे। बिल्कुल बिल्कुल, लेटर वेटर की प्रैक्टिस अगले सेशन से स्टार्ट हो रही है, थर्सडे से लेटर की और राइटिंग सेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। ओपन हाउस सेशन बच्चों मैं लेता हूं, जहां पे तुम्हारे जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान करते हैं तुम्हारे अपने सुमित भैया, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेने के लिए आपको Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मेरे सेशंस को अनलॉक करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो है मोस्ट फैबुलस स्पेशल और फैंटाबुलस कोड SUTH10। ग्रेट, समझ आ गई बात? और इसके अलावा बच्चों लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जिसने भी Unacademy का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे प्यारे बच्चों, Unacademy का सब्सक्रिप्शन ले लो। एक नया बैच साइंस का स्टार्ट हुआ है, जिसमें मोनिका बेदी मैम है, शिप्रा मिश्रा मैम है, मनोज सर है, और भी 2 धमाकेदार एजुकेटर हैं Unacademy के। और कोड यूज करना है, दैट इज SUTH10, भूलना जाना ये कोड जरूर लगाना। और हमारे पास है एक्सपेडिशन बैच, जिसमें अनुराग सर, तमसा मैम, राहुल द्युदी सर, सविता अंजना मैम, और ब्रह्मास्त्र बैच है 11th के बच्चों के लिए, जहां पे हमारे पास गौरव जैन सर हैं, और इसके अलावा काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं। शाइन बैच 12th क्लास में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बैच 12th क्लास कॉमर्स में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, और भी काफी अच्छे एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को टीच करेंगे बच्चों। तो मेक श्योर जिसने भी अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी कर ले, Unacademy की स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को मिलेगा लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन, साथ में क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछना, लाइव पॉल ऑप्शंस, क्विज पॉल, लीडर बोर्ड, और भी बेहतरीन बेहतरीन चीजें। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। और बच्चों भूल ना जाना सुमित भैया का कोड जरूर लगाना, कॉम्बैट हो या प्रोडिजी, ये लगेगा कोड जल्द ही, SUTH10। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अपने अगले सेशन में, लेट्स क्रैक।